अच्छा एक सूचना इधर से ले लेते हैं। पता इधर भी है महोदय। अच्छा बोल। जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक तो बड़ा मुश्किल से कुछ प्रश्न आ पा रहा है महोदय, लेकिन ऐसे गोल गोल घुमा करके प्रश्न का जवाब आता है महोदय। कम से कम एक निर्देश दिया जाए कि जो भी प्रश्नों का जवाब आवे वो अच्छे ढंग से आवे। कल हम एक डाले थे, उसको पिछले बार भी डाले थे महोदय, कि जंगली सुअर और नील गाय वगैरह से खेती फसल बर्बाद हो रही है घेराबंदी के लिए। आप डायरेक्ट जवाब है महोदय कि विचार ही नहीं है महोदय। सदस्य सवाल पर पूरक प्रश्न आप पूछते ही नहीं है तो कैसे सवाल सीधा होगा? पूरक प्रश्न पूछने के समय में तो विचार ही नहीं है, ऐसा जवाब आता है महोदय। थोड़ा अच्छा से नहीं, जवाब के लिए हम लोग तत्पर हैं। गुरु जी आपको भी दे देंगे। गुरु जी बोलिए। कल हमारे भाई सुदीप सोनू जी बहुत बोल रहे थे, पीर तारिणी के क्षेत्र के घटना देख महोदय। एक 36 लाल मरांडी, ये है आपका गांव है सिमर कोढ़ी, दूसरा है जालो कोल, दोनों 8 दिन के अंदर अध्यक्ष महोदय, एक कोयला में दब के मरा, एक मुंबई में मरा। लगातार पीर कार का लगभग सैकड़ों के संख्या में लोग आज 2-3 महीना के अंदर मर चुका अध्यक्ष महोदय। सो सारे आदिवासी हैं। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो लगातार वहाँ के आदिवासी गरीब दलित लोगों को गलत जगह पर ले जाके गलत काम करवा कर उनका मौते हो रही है, वैसे लोगों पर जांच होकर वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष प्रदीप अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष नहीं आप, मेरी, आप, मेरी, मेरी बोलिए। मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय, बताइए कि राज्य का सर्वोच्च सदन चल रहा है और इससे कोई शक्तिशाली संस्था हो नहीं सकती। और आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने भी पूरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने यह दुख जाहिर किया है कि केंद्र सरकार किस प्रकार राज्य के हिस्से को रोक के रखी है, गरीबों के इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको रोक के रखी है। अध्यक्ष महोदय यह सभा एक प्रस्ताव ले और भारत सरकार को भेजे, केंद्र सरकार को, कि हमारे हिस्से के पैसे के दे जो राज्य के विकास बाधित है। अध्यक्ष महोदय गरीबों के घर बनने बाकी है अध्यक्ष महोदय, वो पैसे आ सके, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा, ये मेरा प्रस्ताव। अब अच्छा इसमें कोई खराबी नहीं है राज सिन्हा जी, इसमें कोई खराबी नहीं है अगर सब मिल करके हम लोग अपने हिस्से का पैसा मांगे, क्या खराब? आप कुछ बोल रहे हैं प्रिंसी जी के जी धरना पर बैठे हैं, उनको बुलवा लिया जाए महोदय, यही आग्रह। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी, दीपक बिरुआ जी, मथुरा बाबू, एक मिनट मथुरा बाबू, आपको आपके सूचना के लिए नहीं पुकारे, आपको सूचना के लिए नहीं पुकारे, आपको पुकारे कि माननीय सिमरिया विधायक धरना पर बैठे हुए हैं तो उनको ससम्मान बुला के लाइए। बोलिए बोलिए अध्यक्ष महोदय। देश के अंदर जिस तरह से मैंने जो घटना घटा मध्य प्रदेश में महोदय कि किसी के ऊपर पेशाब कर देना, इसको निंदा प्रस्ताव सरकार ने यहाँ से भेजे महोदय, निंदा प्रस्ताव। अच्छा उनको लाइए, जाइए उनको। सुश्री अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद, अप्रश्नकाल आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, अप्रश्नकाल को चलने दें। ले लेंगे बारी बारी से ले लेंगे, प्रश्नकाल को शुरू करने दीजिए। अम्बा प्रसाद पूछिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य के लगभग 15,000 किलोमीटर सड़क का जर्जर स्थिति है, उसका निर्माण नहीं हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला भी गया था कि इस वित्तीय वर्ष में 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, लेकिन उसके आधार पे ये जवाब नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसमें अस्वीकार किया गया है। मैं माननीय बोलिए, हमारे माननीय सदस्य ढुल्लू बाबू ने दो घटनाओं को रिलेट किया है। पीरटार नहीं, पूरे झारखंड से लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु का जिक्र किया है वो बॉम्बे में काम करता था, उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को लाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। ये इनके इलाके में अगर गलत कृत्य हो रहे हैं तो उसके जवाबदेह ढुल्लू बाबू हो सकते हैं, पीरटार की धरती और पीरटार का जनप्रतिनिधि जवाबदेह नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी महोदय, ढुल्लू जी आ गया, ठीक
टिंडुलो जी महोदय, माननीय विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी का जो प्रश्न है जवाब दे रहा है कि ग्रामीण सड़क जो जर्जर है और 15,000 किलोमीटर उसका रिपेयर किया जाए। माननीय सदस्य को कहना चाहते हैं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है ग्रामीण सड़क 5 साल से ऊपर जितने भी सड़क है उनको हम लोग तुरंत मरम्मती हम लोग सोनू जी मरम्मती करेंगे। सोनू जी।